हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल यू चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ब्लीच के बारे में। तो आपको पता है ब्लीच कितनी एक्सपेंसिव हो जाती है अगर आप पार्लर से कराते हैं। वो इजीली अवेलेबल होती है कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से, इवन मेडिकल स्टोर पे आजकल इजीली अवेलेबल हो जाती है ब्लीच। क्यों हम इतना स्पेंड करें ब्लीच के लिए जब आप आराम से घर पे कर सकते हैं। तो मैं यही कब से सोच रही थी कि मैं इस पर वीडियो बना के आप सबको बताऊँगी कैसे आप घर पर ही ब्लीच कर सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट रिव्यू भी है इसके साथ। तो फेम की न्यू ब्लीच आई है जो है ये फेम गोल्ड। तो इसकी खासियत ये है कि ये है नो अमोनिया ब्लीच, तो इसमें अमोनिया नहीं है। इसके लिए लेस इरिटेशन होगी, आपको रेडनेस भी नहीं होगी और उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं है, ऐसा ये ब्लीच कहती है। तो ये ब्लीच मैं आपको बता दूं कि इसमें चार वेरिएंट आते हैं। मैंने लिया है गोल्ड विच इज़ फॉर पार्टी फंक्शन, अगर आपको ग्लो चाहिए, रेडिएंट ग्लो चाहिए कोई भी फंक्शन से पहले, या नॉर्मली भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं नॉर्मली ये यूज़ करती हूँ, या फिर जोलन यूज़ करती हूँ। जो जोलन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क हेयर है और नॉर्मल ब्लीच नहीं पकड़ पाते, तो जोलन आप ट्राई कर सकते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको माइल्ड वर्जन में जाना हो तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे यूज़ करनी है और इसमें क्या क्या तरीका होता है इसे मिलाने का और इसका यूसेज का। तो ये है फेम गोल्ड क्रेम ब्लीच, ये फॉर फेयरनेस है एंड फॉर ग्लोइंग स्किन है। और पार्टी से पहले भी अगर आप करके जाएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये है क्रेम, ये करीबन 60 ग्राम्स आपको क्रीम मिलेगी इसके अंदर। ये है एक्टिवेटर, तो करीबन 8 ग्राम एक्टिवेटर है इसमें विद गोल्ड डस्ट पार्टिकल्स। और इसके साथ बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें स्पून मिला हुआ है। क्रीम के लिए अलग स्पून है, एक्टिवेटर के लिए अलग स्पून है। जो बड़ा वाला स्पून देख रहे हो क्रीम के लिए और छोटा वाला है वो एक्टिवेटर के लिए है। ये है एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट, आप इसको रीड करके समझ सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं। और एक स्पैचुला मिक्सिंग के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली बनाना कैसा है। मैं आज फेस और नेक पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो पहले हम लेंगे ये क्रीम। तो ये क्रीम करीबन 8 यूसेज तक आपकी चल जाएगी ऐसा मेंशन है इसमें, और आराम से अगर आप फेस पे करेंगे तो 8 बार ये आराम से चल जाएगी। तो ये बड़ा स्पून की मदद से मैं एक स्पून इसका निकालूँगी भर के, विच इज़ इनफ फॉर माई फेस और नेक। और आप याद रखें इसे आप प्लास्टिक कंटेनर में या ग्लास की कंटेनर में ही लीजिए, स्टील या किसी और कंटेनर में नहीं। अब मैं डालूंगी ये एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर कुछ ऐसा पाउडर होता है, इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स भी है जो आपकी स्किन में ग्लो लाने में हेल्प करेगा। तो एक बड़े चम्मच जो हमने क्रीम ली है उसके साथ हम एक छोटा चम्मच एक्टिवेटर का लेंगे। इस क्रीम के साथ, इस ब्लीच के साथ आपको ये मिला है, नॉर्मली ये नहीं मिलता है तो ये अच्छी बात है। आपको कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मिलाने के लिए कि कैसे क्या मिलाना है, बहुत इजी है। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद आपको इमीडिएटली लगाना है। अभी हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ब्लीच करते समय। सबसे पहले तो आप जब ब्लीच करते हैं आपको फेस एकदम साफ़ रखना है। आप चाहिए तो सोप से वॉश करके आए और अपना फेस एकदम क्लीन फेस पे ही आपको ब्लीच लगाना है। सेकंड, जब भी आप ब्लीच लगाते हैं आप उसी वक्त इमीडिएटली जब बनाया हो तब भी आपको रेडी होना चाहिए लगाने को। आपको उसको रखना नहीं है बना के, जैसे अब आधा घंटा 10-15 मिनट छोड़ दो, नहीं, आपको इमीडिएटली लगाना है। थर्ड बात कि आप उसको बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, आपको अगर ब्लीच लगा ली आपने, फेस वॉश आपको कोल्ड वाटर से करना है, ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं करना। और उसके बाद आपको कोई भी फेस वॉश या साबुन से या सोप से या फेस वॉश कोई भी यूज़ नहीं करना है अपने फेस पे। और उसके बाद हो सके तो आप जितना भी, अगर रात को ये ब्लीच करें तो वो अच्छा होगा, डे लाइट में नहीं करें तो बेटर होगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि
आपकी स्किन में इरिटेशन और रेडनेस का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ब्लीच लगा के डायरेक्टली सनलाइट में जाएंगे तो कुछ भी आपकी स्किन पे इरिटेशन और रेडनेस हो सकता है। तो रात का टाइम ठंडा टाइम होता है, तो अगर आप रात को ब्लीच करके और मुंह धोकर ठंडे पानी से सोते हैं तो वो बेटर होगा। और उसके बाद आपको 5 घंटे तक साबुन से फेस वॉश नहीं करना है, बस ठंडे पानी से फेस वॉश करके सोना है। उसके बाद एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ब्लीच आज लगाई है तो आप अगले 3 हफ्ते तक रिपीट ब्लीच नहीं कर सकते, वापस अप्लाई नहीं कर सकते। और ब्लीच को कभी भी 10 मिनट से और 15 मिनट के बीच में ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि ब्लीच का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, अब मैं अपनी उंगलियों की मदद से पूरा ब्लीच फेस पे अच्छे से लगा दूंगी। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, मुझे उंगलियों से कन्वीनियंट लगता है इसके लिए मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अच्छे से पूरा फेस और नेक कवर करने के बाद 10 मिनट मैं इसे रख दूंगी। तो 10 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी वेदर मेरे बाल ब्लीच हुए हैं कि नहीं और इसका इफ़ेक्ट आया कि नहीं। अगर नहीं तो मैं 5 मिनट और रखूंगी, मैक्स 15 मिनट रखूंगी। तो अब मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे कितना फ़र्क आया है। आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, पिगमेंटेशन भी कम होगी और स्किन पे ग्लो भी आएगा। आप देख सकते हैं कितना स्किन साफ लग रही है और फेयर लग रही है और ग्लोइंग लग रही है। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ये यूज़ करके देखें, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। जैसे ये क्लेम करता है कि ये ग्लो ही रेडिएंट स्किन देता है, तो हाँ ये ग्लो एंड रेडिएंट स्किन को देता है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। 99 रुपीस का है, 92 रुपीस का मुझे मिला, करीबन 60 ग्राम है। इसमें लिखा है 8 यूसेज है, आप 8 बार यूज़ कर सकते हैं और एक स्पून आपने देखा कि इनफ है फेस और नेक के लिए। तो इसका कॉस्ट बहुत ही रीज़नेबल है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। आप इसके दूसरे वेरिएंट भी मैंने ट्राई नहीं किए पर मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे, क्योंकि ये जैसा इसने बोला है वैसा जैसा इसने क्लेम किया है, मुझे प्रोडक्ट एकदम ट्रू लगा। तो प्लीज़, और एक और बात डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी कि आप अपने ज़रूरी नहीं मुझे सूट हुआ तो आपको भी सूट हो, आप ज़रूर पैच टेस्ट करने के बाद ही फुल फेस पे लगाएं। आप चाहे तो पैच टेस्ट इधर कर सकते हैं नेक के पीछे, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होती है, इधर करके देख सकते हैं। एक दिन पहले 24 घंटा रखने दें, मतलब 24 घंटे बाद आप फिर वापस फेस पे लगा सकते हैं अगर आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट उधर नहीं हुआ हो तो। पर प्लीज़ पैच टेस्ट करें, बिना आप नहीं लगाए। अगर आप न्यू यूज़र हो, अगर आप लगाते रहते हो तो नो प्रॉब्लम। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और भी ऐसे वीडियोस के लिए, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले, मैं आपके साथ और भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ बताऊँ, कैसे उसको प्रॉपर यूज़ करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्या नहीं, सब आपके साथ शेयर करूँ। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।